नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विथ येट अनदर न्यू वीडियो. एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड. यस, क्योंकि मैं रिसेंटली आगरा गई थी और मैं आपको अभी साथ में लेकर चलने वाली हूँ आगरा की गलियों में, जहां पर हमने वो छिटकारे जो भरे है ना, स्ट्रीट फूड जो है ना, वही ऑथेंटिक होता है उस जगह का. किसी भी सिटी का रियल फ्लेवर जानने के लिए आपको उस गलियों में जाना पड़ता है, वहां की गलियों का खाना खाना पड़ता है. और पुराने शहर की तो बात ही कुछ और होती है. तो वी ट्राइड सम अमेजिंग फूड इन आगरा इन ओल्ड सिटी स्पेशली. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट कि अभी जब हम आगरा गए थे तब केसेस इतने ज्यादा नहीं थे. थर्ड वेव नाउ इज हियर एंड आप अभी ट्रेवल जितना ना करो अच्छा है. लाइक विदाउट एनी रीजन डोंट गो आउट. स्टे सेफ, स्टे सेफ वेर एवर यू आर. सो या, सेव दिस वीडियो फॉर लेटर एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टूडेज वीडियो. ओके एवरीबॉडी, सो हम आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए. तो वी आर इन पुष्पक मिष्ठान भंडार विच इज इन आगरा. तो हम यहाँ पर हैं एंड वी हैड देसी घी के समोसे और अभी मैं खाने वाली हूँ दिस पनीर पकौड़ा. मे हैव सम नंग. और ये है मालपुआ जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट डेजर्ट है. हिमानी की स्पेशल रिक्वेस्ट में मालपुआ है. कैसा है बेटा? ओह माय गॉड, हलवा लग रहा है. एंड मूंग की दाल का हलवा भी आई है भैया. मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब अंदर तक आत्मा ना ऐसे तृप्त हो गई. कौन सी सोन पापड़ी है ये? दिस इज द रियल डील. ये जो फ्रेश देसी घी में बनाई जाती है. दिस इज नॉट द ड्राई वन यू गेट एट हल्दीराम जो बेचारी लावारिसों की तरह दिवाली पे पट्टी है. ये था कि लोगों को सोन पापड़ी से नफरत नहीं होगी. एग्जैक्ट, दिस इज द रियल डील. तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आगरा की चाट गली, फेमस चाट गली में. और इससे पहले भी मुझे यहाँ देखते ही याद आया कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं चोरी लेने. अब आप हमें यहाँ मत ये कमेंट मत करना कि कोरोना के चलते हुए तुम लोग ऐसे. हम लोग ये मास्क वास्क ये सब कुछ है, जस्ट जब कैमरा ऑन होता है. सो चलते हैं अंदर. मैं यहाँ जब आई थी तब मुझे याद है हमने चाट खाई थी. ऑब्वियसली चाट गली, अगर चाट नहीं खाई तो क्या ही खाया. चलते हैं, शाम को यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी. मीठा तो नहीं डाला ना? नहीं सर, बोले क्या? अरे भैया, इन्होंने बोला सारी स्टॉल्स एक जैसी हैं, सब अच्छे हैं. इन्होंने बस हमें. सो गाइस, व्हेनेवर यू कम हियर डोंट फॉरगेट टू हैव आगरा चाट हाउस का आलू टिक्की. और गोलगप्पे भी अच्छे थे. एट द सेम टाइम यहाँ पर कुल्फी के लिए कृष्णा कुल्फी, वहाँ की आप कुल्फी खा सकते हो. फाइनली लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू ट्राई दैट्स कुल्फी. और ये कुल्फी ऐसी मैंने एक बार कहीं तो खाई थी, बट ये देखते हैं उससे अच्छी है कि नहीं, क्योंकि इसमें फलूदा भी है, इसमें रबड़ी भी है, इसमें होममेड आइसक्रीम भी है और कुल्फी है, और साथ में थोड़ा सा सिरप डाला है जस्ट टू गार्निश. दो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आइसक्रीम, कुल्फी वॉट एवर मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, बट स्टिल टू गुड. नॉट सो स्वीट, ज़्यादा स्वीट नहीं है. गाइज आ गया है हमारा भोजन. टेल यू क्या क्या है हमारी पत्तल की दावत में. तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको पिकल्स बता देती हूँ. सो मैनी वैरायटी ऑफ पिकल. ये वाला कौन सा है? सबसे पहला ही मैं नाम बोल गई, टीट का. एंड दिस इज आमला का, एंड दिस इज आम का मुरब्बा, मिर्च, मस्टर्ड ऑयल, यस, एंड ये है नींबू का अचार. तो इतने तो वैरायटी ऑफ पिकल्स है हमारे. और उसके बाद हमारे वी हैव मशरूम मटर एंड वी हैव पनीर मेथी पनीर दाल एंड दिस इज
भथुआ रायता, पापड़, रागी की रोटी, जो कि मैं घर पे भी यही खाना प्रेफर करती हूँ गाइस, नो सो यप फुलफिलिंग मी लाइक कांट वेट टू हैव, क्योंकि सारा कुछ काफ़ी यम लग रहा है और फटाफट से खाते हैं, मतलब इतनी भूख नहीं है बट ये देख के भूख ज़्यादा लग गई है, यू नो होता है कई बार खाना अच्छा खाना देख के आपको ना सिर्फ भूख सी लग जाती है, दैट्स व्हाट यही हो रहा है। द नेक्स्ट डे ओके एवरीबॉडी, सो आई एम गेटिंग रेडी टू क्विकली टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स लाइक हियर एंड देयर, कि मैं ना अंडर आई क्रीम लगाती हूँ, जा रही है डार्क सर्कल हो रहा है, बेसिकली डार्क सर्कल के लिए बिकॉज आई डू माई स्क्रीन टाइम इज वेरी मच, सो इसलिए मैंने जो है स्टार्ट किया ये। सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस मामाअर्थ का बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम लाइक दिस एंड जस्ट अप्लाई इट एंड रोल इट लाइक वेरी जेंटली। रात को नाइट रूटीन में भी आप लगा सकते हो, मैं इसे दोनों टाइम लगाती हूँ फॉर बेटर इफेक्ट। एक तो ये हो गया कि ये आपके स्किन को जो है एकदम नरिश रखता है बिकॉज इट हैज क्यूकम्बर इन इट, तो क्यूकम्बर जो है वो विटामिन सी से रिच होता है। सेकेंडली ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ऑल्सो इट हैज डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट विच हेल्प्स एक्सफोलिएटिंग योर स्किन, एट द सेम टाइम आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको हील करता है, सो दैट्स वाई डार्क सर्कल्स के लिए इट्स गुड। और आजकल के एनवायरमेंट के टाइम, आजकल का जो एनवायरमेंट है, जो आपको बाहर आपकी स्किन को जो एक्सपोजर मिलता है, उससे भी आपको ये बहुत हद तक आपकी अंडर आई को सुरक्षित रखता है। तो आई ऑलवेज से मामाअर्थ इज अ ब्रांड जो कि हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी यूज नहीं करता है, सो दे आर वेरी नेचुरल एंड वेरी जेंटल टू योर स्किन। एट द सेम टाइम मामाअर्थ जो है वो एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, क्योंकि जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है इसे रीयूज करते हैं, और 2025 तक मामाअर्थ इज एमिंग कि वो 1 million ट्रीज जो है वो प्लांट करे, बिकॉज एवरी टाइम यू प्लेस ऑर्डर फ्रॉम मामाअर्थ दे गेट लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री जो कि वो प्लांट करते हैं, एंड यू कैन गेट ट्रैक ऑफ दैट ट्री ऑल्सो विच इज अमेजिंग। एट द सेम टाइम आप मामाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं Amazon, Flipkart, purple.com और मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से, बिकॉज मामाअर्थ हैज लॉन्च देयर ऐप रिसेंटली, सो यूजर कैन गेट अर्ली एक्सेस एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड देयर ऐप एंड बाय थिंग्स फ्रॉम देयर। ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज राइट हियर एंड गेट 20% का डिस्काउंट, एंड लिंक ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यप दिस इज अबाउट दिस, नाउ लेट्स गो। एंड आज का दिन काफी क्रेजी होने वाला है, वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ फूड इन आगरा की गलियों में, तो यप Let's go. So everybody, अब हम आ गए हैं नाश्ता करने के लिए अगेन द प्लेस पुष्पक जहाँ पर हम कल आए थे, तो यहाँ पर फेमस जो है वो नाश्ता आगरा का वो हम खाने वाले हैं, तो हम अगेन आ गए, हम भेड़ा ही खाने आ गए और हम आज खाने वाले हैं कुछ आगरा की स्पेशलिटी नाश्ते के लिए, एंड वी हैव भेड़ई। सो ये होती है पूरी जो कि होती है सूजी की, और साथ में है एक आलू की सब्जी, एक पेठे की, और है आलू पेठा एंड दही। एंड दही इस तरीके का दिल्ली में एक बेथनी पूरी और वो नागौरी हलवा और वो मिलता है ओल्ड दिल्ली में, बट ये दाल और सूजी वाली पूरी तो बड़ी क्रिस्प है एंड वेरी नाइस फ्लेवर, पेठे का खट्टा मीठा जो फ्लेवर है वो आ रहा है पेठे की सब्जी का, एंड वेरी नाइस, और साथ में जलेबी भी है। गाइस मस्त वाला ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, आई लाइक इट, और गिल्ट भी हो रहा है, बहुत सारा मीठा मीठा जलेबी खा लिया, घी वाली पूड़ियाँ थी वो खा ली, तो ऑब्वियसली थोड़ा गिल्ट तो होगा। खा लिया दो 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 डब्बे आधा आधा किलो की सोन पापड़ी, हाँ जो हमने कल खाई थी, मीठे मीठा खा के जो है पेट भर जा रहा है पर दिल नहीं भर रहा है, दैट्स व्हाट अभी हमें मालूम चाहिए। सीरियसली मैम ये मलाई वाला दूध भी पी रहे हैं, इस ठंडे ठंडे मौसम में ऐसे गरम गरम दूध और इतनी मलाई डाली है, मतलब आई किड यू नॉट लाइक सी एकदम अमाउंट ऑफ मलाई,
ऐसे मिलने वाला है शहर में, नहीं मिलेगा कहीं पे भी, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 801 Everybody, तो आज के डिनर के लिए वी आर हियर इन ओल्ड सिटी, आगरा के मशहूर चिमनलाल पुरी वाले, जो कि यहाँ पे 1840 से है। कैन यू बिलीव इट, लाइक 1840 1840 से है। सो हम यहाँ पर डिनर करने वाले हैं आज पूरी का। दो हमने इतना कुछ खाया है, बट मैं जैसा आपको बता रही थी कि आगरा के फूड से आपको हैवी नहीं फील होता है, आपको यू विल फील लाइक यू आर ईटिंग वेरी लेस फूड, क्योंकि बहुत ही अच्छा घी में बना हुआ और बहुत ही वैसा खाना है आगरा का, बहुत ही बैलेंस्ड है। तो लेट्स सी यहाँ पर कैसा है, अभी हम ट्राई करने वाले खाना खाने जा रहे हैं, तो या लेट्स गो इनसाइड। ऐसे जो मेन जो टूरिस्टी प्लेसेस है उसके आसपास जो जगहें होती हैं वो सब जगह पे खाने पीने की बजाय ऐसे ओल्ड सिटी में आओ, तभी आपको ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा। यस दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग थोड़ी देर पहले भी, क्योंकि हम सुबह जो पुष्पक के वहाँ हम गए थे, जो हमने नाश्ता किया था, वहीं पर भी मैंने सेम चीज़ बोली थी। यहाँ पर भी मैं आपको ये बोलती हूँ, ओके सामने मस्त पूड़ियाँ बन रही है, हैव अ लुक। नो नो नॉट दिस गाय, दिस पूड़ी गाइस। तो खाना हमारा आ चुका है एंड इट्स अ फुल फ्लैश थाली, सो वी हैव पूरी, वी हैव आई थिंक आलू की सब्जी एंड दिस इज मिक्स वेज रायता, ढोकला भी है एंड साथ में खीर है, अंदर का गुजराती, इवन खीर देख के अंदर का गुजराती ढोकला और खीर देख के खमन है, दिस इज खमन राइट, नो नो दिस इज खमन, एक्चुअली खमन एंड ढोकला बोथ आर डिफरेंट। चलो खाना खाते हैं। अब पहले मैं सबसे पहले खमन ही टेस्ट करूंगी, वो अच्छा ये ठंडा है। ओके डिनर आ गया है, पूरी है, पूरी के साथ मिक्स वेज आलू रायता की, जिसके लिए फेमस है। सब लोगों की चीज़ें अलग अलग फेवरेट्स होते हैं। अब आगरा का एक और बड़ा फेमस वो है जगह है रामबाबा पराठे वाला, पास में ही बेलमगंज में ही। आलू की सब्जी का जो टेस्ट है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है किसी को, इट्स वेरी नाइस, अच्छे हैं लिटरली, बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, सच में इट्स वेरी गुड। अगर वो लंच में किसी को खिलाता ना वो बेचारे। फ्यू इंचेस लेटर। ओके गाइस, तो लास्ट स्टॉप ऑफ द डे आई थिंक गोपाल दास पेठे वाले, दिस इज अ वेरी ओल्ड शॉप इन ओल्ड सिटी, तो यहाँ पर हम आए पेठे लेने के लिए। और मोस्टली वैसे आगरा की बात करें तो पेठे के नाम पे पंची पेठे वाले बहुत फेमस है, उनकी भी पुरानी शॉप है, लाइक वो भी ओल्ड दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली, ओ माय गॉड मेरे मुंह से ओल्ड दिल्ली निकलता है, बट ओल्ड सिटी में है। आप जो जितने भी आगरा ताजमहल के पास पास देखते हैं वहाँ पे उन्होंने रिसेंटली शॉप ओपन की है, तो यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड, बट या दिस इज दी बेस्ट शॉप, लाइक आप यहाँ से भी पेठे ले सकते हैं, पंछी से भी ले सकते हैं। तो यस लेट्स गेट इनसाइड द शॉप, क्योंकि मैं पेठे तो नहीं लूँगी बिकॉज आई एम नॉट बिग फैन ऑफ पेठास, बट आई एम गोइंग टू बाय सम स्नैक, लाइक थोड़ा नमकीन वमकीन कुछ ले लूँगी, क्योंकि दाल मोठ भी बहुत ही फेमस है आगरा की। अभी हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सेठ गली, अभी हम सेठ गली जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या है कुछ अलग, क्योंकि रात के कितने बज गए हैं अभी, आई थिंक 9 बजने वाले हैं और 10 बजे अब कर्फ्यू लग जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी क्विक। मलाई बिना का दूध क्या दूध हुआ, तू रहने दे, खाती है नहीं तो दूध पीती है ब्लॉग के लिए एक सिप। हां 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 ये गाइज, मैं आपको हर जगह ये कह रही हूँ कि ये आखिरी स्टॉप है, लाइक मतलब मैंने अभी लास्ट पेठे वाले की शॉप पे बोला था, बट दिस इज आर लास्ट स्टॉप ऑफ द डे वे वी आर गोइंग टू हैव, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या ऐसे हमारे साथ वाले लोग क्या क्या खा रहे हैं, मतलब कितना खाते हैं, यू नो लुक एट देम, दे आर हैविंग दूध अलॉन्ग विद दैट, दे आर हैविंग खुरचन विच इज अपेरेंटली मीठी नहीं है बिल्कुल, इट इज अपेरेंटली अ सॉलिड कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड सॉलिड कंडेंस्ड मिल्क, ओके दैट्स मीठा का, दैट्स व्हाट शी सेड एग्जैक्टली दैट, एंड शाय इज गोइंग टू ट्राई दिस फॉर अस, मेरी ऑडियंस के लिए ट्राई करके बता दो कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, क्या कहते हैं वो, कौन सा है वो, हियर इन शिवगंगा मिठाई। खुरचन थोड़ा सा खा लेता है, इतना सा अभी बोली, मुझे मिल्क की चीजें पसंद है, मावा मिल्क मुझे पसंद है, सभी बंगाली मिठाई। सर जी रबड़ी, रबड़ी डाले इसमें कह रहे हैं। हेलो हेलो, मतलब ये सड़क वाला क्यूटी हमारा नल आया रोया उससे डर के बाहर।
अच्छा तो ये मतलब एज अ डेजर्ट खाते हैं, मतलब वैसा मीठे के जैसे? बहुत लाइट हो। अच्छा अच्छा, कितने टाइम से आप ये लगाते हो यहाँ पे? साढ़े छः शाम को। साढ़े छः बजे से, मतलब वो कितने साल हो गए वैसे? कितने साल हो गए? कम से कम 50 साल हो चुके। 50 साल हो गए। पुरखा भी लगा रखते हैं। अच्छा, हम के बच्चे हम लगा रहे हैं। सो सिर्फ ठंड में या फिर हमेशा और सारे सीजन में? मिलेगा सिर्फ ठंड में ना। सफेद में क्या फर्क है? हाँ, इसमें मलाई वाला है, ये मक्खन वाला। अच्छा, ओके, नाइस। और ये इसका दूध है। अच्छा, इसका दूध, ओके, दूध से ही बनता है। हम ना बहुत कुछ खा लिया, नहीं तो जरूर खाते। कैसा हुआ? हाँ, टेस्ट नहीं नहीं आपने भैया, सुनो एक चम्मच में बस दे दो, क्योंकि ना हमारे सच में बिल्कुल जगह नहीं है पेट में। ये वाला एक और एक ये थोड़ा थोड़ा। हाँ, एकदम टेस्ट। थैंक यू। ये थोड़ा फ्लेवर वाला है एंड दिस इज प्लेन। वाह यार, मुझे मक्खन पसंद है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो आप जब भी आगरा आओ तो ये सेठ गली है और यहाँ पर भैया मिलेंगे आपको। सर्दियों में स्पेशली लगती है ऑब्वियसली, तो यस, डू विजिट। और अभी मेरी हालत देखो, मतलब काफ़ी ठंडी हो रही है, काफ़ी सर्दी हो रही है। थैंक यू, चलिए बाय। I'm sure you guys like this video, and you know, if you like this video, what you have to do, you just like this video, comment below that kis type ke video aapko mere channel mein zyada acche lagte hain. Also do subscribe to my channel if you haven't already, and yeah, we'll see you with another video very 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 soon. I upload every week on Tuesday and Saturday on my YouTube channel. Make sure you subscribe to my channel. We'll see you with another video very soon. Till then, tara, bye bye, namaste.